पूर्णिया जिला अंतर्गत बढ़हरा कोठी रघुवंश नगर थाना क्षेत्र के कुख्यात एवं 50,000 का इनामी घनश्याम मंडल को पुलिस ने धर दबोचा है। कई जिलों के शीर्ष मामलों में वांछित घनश्याम मंडल की गिरफ्तारी के लिए पूर्णिया एसपी दयाशंकर के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी धमधार रमेश कुमार की अगुवाई में छापेमारी कर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस टीम में सुनील कुमार मंडल धमधा अंचल के ओपी अध्यक्ष धन प्रसाद एवं अन्य पदाधिकारी व कर्मी तथा एसटीएफ के द्वारा संयुक्त छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से एक देसी कट्टा एवं 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। घनश्याम मंडल पर बढ़हरा कोठी रघुवंश नगर थाना कांड संख्या 9/21 दिनांक 6 जनवरी 2021 धारा 302, 120 बी तथा 34 आईपीसी एवं 27 आम एक्ट एवं बरहरा रघुवंश नगर थाना कांड संख्या 239/20 दिनांक 10 अक्टूबर 2020 धारा 341, 323, 307, 504, 506, 34 एवं 27 आर्म्स एक्ट तथा 3 आईआरएस 3 वीए एससी एसटी पीओए धाराओं में मामला दर्ज था। कुख्यात घनश्याम मंडल के विरुद्ध कई जिलों में गंभीर शीर्ष के कांड दर्ज हैं, जिनमें वांछित चल रहा था। घनश्याम मंडल के अवैध हथियार के साथ गिरफ्तारी के बाद बरहरा रघुवंश नगर थाना कांड संख्या 158/22 दिनांक 21 अप्रैल 2022 धारा 25 1 बी ए 26 आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया है। आप देख रहे हैं एसडीएन न्यूज़, मुद्दे की बात आपके साथ। जी सर, रघुवंश नगर थाना अंतर्गत विभिन्न कांडों के वांछित अपराधी जो मधेपुरा के बिहारीगंज थाना में भी इनके विरुद्ध में कई तरह के कांड दर्ज हैं और इसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम पुलिस मुख्यालय के द्वारा घोषित किया गया था। कल संध्या को सूचना प्राप्त हुई कि ये रघुवंश नगर क्षेत्र में है मौजूद, तो पूर्णिया पुलिस की टीम और एसटीएस की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करके इसकी गिरफ्तारी करी है। इसके पास से एक देसी कट्टा और 5 कारतूस बरामद हुए हैं। इस संदर्भ में रघुवंश नगर थाना अंतर्गत कांड दर्ज करके न्यायिक अभिरक्षा में इसे भेजा जा रहा है। रघुवंश नगर अंतर्गत 4 कांडों में ये वांछित है, विभिन्न कांडों में इसे रिमांड किया जाएगा। और जैसा कि मैंने रिपोर्ट में आप लोगों को बताया था कि बिहारीगंज में भी इसके ऊपर बहुत तरह के कांड अंकित हैं, दर्ज हैं और इसके ऊपर मुख्यालय से 50,000 रुपये का इनाम घोषित है। क्या नाम है अपराधी का? सर घनश्याम मंडल। ये क्या पहले से भी इनामित है? पिछले 3 महीने पहले हम लोग के द्वारा प्रस्ताव भेजा गया था, जिसके आलोक में इसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। एक रघुवंश नगर मौजम पट्टी वाले एरिया में एक गिरोह काम करता था, तो पिछले जनवरी 21 से लेकर अभी तक लगभग 3 इनामी अपराधियों को वहाँ से हम लोग के द्वारा पकड़ के अभी तक भेजा गया है। और हम लोग का पूरा प्रयास है कि मौजम पट्टी वाले एरिया में जैसे पूर्व में गैंग वॉर की घटनाएं होती थी, वैसी घटना ना घटित हो। जनवरी से लेकर अभी तक इस तरह की कोई भी घटना वहाँ घटित नहीं हुई है। लगातार हम लोग का ये छापेमारी अभियान जारी रहेगा और इस तरह के अपराध करनी है तो हम लोग गिरफ्तार करके। ये घनश्याम मंडल भी किसी गैंग से ताल्लुक? ये 9/21 कांड जो है रघुवंश नगर में दर्ज हुआ था, जिसमें जैसा हमने कहा कि गैंग वॉर होता रहता था, तो पूर्व के किसी न किसी गैंग से इसके ताल्लुक है। ये रहने वाले कहाँ गए थे? घनश्याम मंडल रघुवंश नगर के। 50,000 के 4 केसेस में ये वांछित है। इसके ऊपर आम सेक्ट के मामले दर्ज हैं, तो विभिन्न मामलों में दर्ज है। इस कारण से इसके ऊपर हम लोगों द्वारा इनाम घोषित करने का प्रस्ताव भेजा गया था मुख्यालय को।